इलेक्ट्रिक स्कूटर हर ब्रांड ऑफर कर रही है, सबके अपने अपने यूएसपी है। टीवीएस इंडिया की जाने मानी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, जिसके व्हीकल्स के अंदर फीचर्स की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। एंड ये है आपके सामने टीवीएस का इकलौता इलेक्ट्रिक स्कूटर IQ। लेस देन 90,000 से इसका प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाता है। क्या बनाता है इसको खास? लेट्स नो ऑल अबाउट दिस इन दिस वीडियो। नमस्ते व्यूअर्स, ऑटोमोबाइल न्यूज में आपका स्वागत है। IQ इंडिया के अंदर काफ़ी दिनों से मार्केट में है। आप में से कुछ लोगों के पास ये इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा अभी, एंड आशा करता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस उसके साथ काफ़ी अच्छा रहा होगा अभी तक। वैसे TVS IQ 2024 के अंदर कुछ अपडेट्स के साथ मिल रहा है और आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी वाइड रेंज मिल जा रही है। इसका प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाता है करीब 89,900 से, एंड इसका टॉप एंड मॉडल जाएगा 1,85,373 बेस वेरियंट है उससे ऑलमोस्ट डबल इसके टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस है। इस वाइड रेंज में ये क्या क्या ऑफर कर रहा है, कितने वेरिएंट्स में आएगा, क्या क्या फीचर्स हैं, लेट्स नो ऑल अबाउट IQ इन दिस वीडियो। TVS IQ अवेलेबल है 3 बैटरी पैक एंड 3 वेरिएंट के साथ। IQ जिसके अंदर मिलता है 2.2 किलोवाट आर का बैटरी पैक और एक 3.4 किलोवाट आर का। फिर आता है IQ S, उसके अंदर बैटरी पैक मिलता है 3.4 किलोवाट आर का। एंड फिर आता है TVS IQ ST, जिसके अंदर मिलता है 3.4 किलोवाट आर एंड 5.1 किलोवाट आर का बैटरी पैक। प्राइस रेंज स्टार्ट होगा इस 89,999 से 1,85,000 एक्सशोरूम प्राइस रेंज है ये। कलर्स की बात कर ले तो जो बेस वेरिएंट है IQ, उसके अंदर 2 कलर मिलेंगे, एक जो आपकी स्क्रीन पर है, एक आपको वाइट मिलेगा। फिर IQ 3.4 किलोवाट S, उसके अंदर आपको मिलते हैं 4 बॉडी कलर का ऑप्शन। फिर आ जाता है IQ ST, इसके अंदर आपको 3 बॉडी कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक कलर से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आपकी स्क्रीन पर IQ 2.2 किलोवाट है यानी बेस वेरिएंट, जिसका प्राइस करीब 89,999 रुपीस रहने वाला है। बैटरी पैक वाइज सभी में डिफरेंस है, रेंज वाइज भी डिफरेंस है, कुछ फीचर्स में भी डिफरेंस है, बट अबव ऑल सभी वेरिएंट्स का लुक सेम है। एंड ये जो आपकी स्क्रीन पर है ये बेस वेरिएंट IQ, इसके अंदर ऐसे फीचर्स ही मिल रहे हैं। देखने के बाद आप ये बोल नहीं सकते कि आपका बेस वेरिएंट रहने वाला है। यू शेप में आपको DRL मिलेगी, ये पूरा ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, स्मार्ट एस कनेक्टिव ब्रांडिंग एंड LED लाइट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सब कुछ आपको बॉडी कलर मिलने वाला है। इस बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। फिनिशिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, पार्ट्स के अंदर गैप जो है वो आपको नहीं नज़र आएगा। सब कुछ आपको एक बढ़िया फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मिलने वाला है, बट मिलेगा सब कुछ आपको फाइबर में। साइड वाइज ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। फ्लैट सरफेस मिलने की वजह से प्रैक्टिकलिटी इसकी इन्हेंस हो जा रही है। यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, यहाँ पर अपनी सब्जी का थैला रख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही जगह है, आपको अंडर द सीट भी सफिशिएंट स्पेस मिलेगा जो इसकी प्रैक्टिकलिटी को इन्हेंस करता है। मोरओवर यहाँ पर मिलता है एक हैंगर जिस पर आप अपना 2 kg तक का सामान हैंग कर सकते हैं। बाकी फ्लैट सरफेस, IQ इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग एंड पिलियन के लिए फुटरेस्ट यहाँ पर नज़र आएंगे। ये स्कूटर बेस से लेके टॉप तक हब माउंटेड मोटर के साथ मिलेगा। रियर सस्पेंशन, पैसेंजर्स के लिए ग्रैब रेल्स एंड यहाँ पर देखिए सॉफ्ट एलिमेंट दिया है। क्यू पार्क असिस्ट के साथ मिलता है और पीछे ये इसका LED के अंदर लाइट, LED के अंदर ही इंडिकेटर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्लेट लाइट आल्सो इन LED। पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर और एक यहाँ पर साइड में भी रिफ्लेक्टर नज़र आएगा। TVS इलेक्ट्रिक, ये ब्लिंग हो रहा है, ये लाइट जलती रहती है और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से आप चाबी से ही इसकी सीट को खोल सकते हैं। लाइक जुपिटर, यदि हम उसको वहाँ से फ्रंट से इसकी सीट को ओपन करते तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, बट लॉक यहाँ पर दिया हुआ है। एंड ये है 32 लीटर का स्टोरेज स्पेस। ये है इसका चार्जर जो करीब इसके 2.5 घंटे में 0-80% कर देगा 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक को। बूट के अंदर एमिनिटीज़ के तौर पर आपको USB चार्जर मिल जाएगा, OBD डिवाइस यहाँ पर है, बूट लैंप
मिस करेंगे आप। सीट सॉफ्ट है। एक्रोस अल्ट्रीम 12 इंच का टायर मिलेगा, 90x90 R12 का टायर सेक्शन फ्रंट के अंदर मिलेगा। ट्यूबलेस टायर है और बेस वेरिएंट से ही आपको डिस्क ब्रेक के साथ टायर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड सस्पेंशन फ्रंट के अंदर आपको टेलोस्कोपिक सस्पेंशन नजर आएगा। साइड स्टैंड विद सेंसर मिल रहा है। साइड स्टैंड ऑन होगा ना तो गाड़ी स्टार्ट, ये स्कूटर स्टार्ट होगा ही नहीं। और दूसरा गैस जैसे ही आप साइड स्टैंड लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इस रियर के अंदर भी आपको सेम टायर सेक्शन मिलता है 90x90 R12 का। ट्यूबलेस टायर है, TVS का अपना खुद का टायर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। एंड सस्पेंशन के लिए यहाँ पर आपको ड्यूल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा विद प्रीलोड हाइट एडजस्टमेंट के साथ। ड्रम ब्रेक यहाँ पर मिलने वाला है। फॉर योर सेफ्टी यहाँ पर पार्क ब्रेक भी मिलता है। ये इसका पार्किंग ब्रेक है जिसको आप हैंड ब्रेक भी बोलते हैं। ये अभी अंगेज हो गया है एंड दोबारा से आप ब्रेक को प्रेस करेंगे ये डिसंगेज हो जाएगा। लेंथ विल बी 1805 mm विथ 645 mm एंड हाइट 1140 mm की रहेगी। ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर मिलेगा 157 mm का एंड सडल हाइट वो 770 mm की रहेगी। व्हील बेस यहाँ पर मिलेगा 1301 mm का एंड इसका कर्व वेट जो कि वेरी करेगा वेरिएंट वाइज, जिसके अंदर 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसका वेट रहेगा 110 kg। और वहीं पर आई क्यूब 3.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ वेट रहेगा 118.6 kg। आई क्यूब ST 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक का वेट जो रहेगा वो रहेगा 119 kg। एंड जो आई क्यूब ST 5.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक के साथ मिल रहा है जिसकी IDC रेंज आपको 150 किलोमीटर की मिलेगी, उसका जो वेट रहेगा 132 kg का रहने वाला है। इसके अंदर तीन बैटरी पैक मिलते हैं 2.2 किलोवाट आवर, 3.4 किलोवाट आवर एंड 5.1 किलोवाट आवर। 2.2 एंड 3.4 किलोवाट आवर के साथ IQ 0-40 4.2 सेकंड में करेगा। एंड वहीं पर IQ ST जिसके अंदर 5.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है वो 0-40 4.5 सेकंड के अंदर करेगा। एंड टॉप स्पीड भी वेरी करेगी। आई क्यूब 2.2 की टॉप स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, आई क्यूब 3.4 की टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है एंड 5.1 किलोवाट आर की टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आर रहेगी। IDC रेंज में भी डिफरेंस आएगा। दो मोड मिलते हैं इकोनॉमी एंड पावर सभी वेरिएंट्स में। एंड इकोनॉमी में 2.2 की रेंज है जो कंपनी क्लेम कर रही है रियल वर्ल्ड रेंज, वो 75 किलोमीटर की कर रहेगी। पावर मोड में 60 किलोमीटर की कर रही है। सेम वे 3.4 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ इकोनॉमी मोड में 100 की जा रही है एंड पावर मोड में 75 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है। एंड लास्ट वन आई क्यूब ST 5.1 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ कंपनी क्लेम कर रही है इकोनॉमी मोड के अंदर 150 किलोमीटर की रेंज एंड पावर मोड के अंदर 110 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम कर रही है। तीनों बैटरी पैक के साथ सेम पावर मिलेगी 4.4 किलोवाट आर की पीक पावर एंड रेटेड पावर 3 किलोवाट की। टॉर्क भी सभी वेरिएंट्स में सेम है 140 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क एंड रेटेड टॉर्क 33 न्यूटन मीटर का। IP67 के साथ वाटर एंड डस्ट प्रूफ ये बैटरी मिलेगी सभी वेरिएंट्स के अंदर। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। देखिए चार्जिंग टाइम हर बैटरी पैक के साथ अलग अलग है। 2.2 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है इसके अंदर 2 आवर्स एंड 45 मिनट में इसका बैटरी पैक चार्ज हो जाएगा 0-80। 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होगा 4 आवर्स एंड 30 मिनट के अंदर चार्ज 0-80। एंड 5.1 वाला जो है वहाँ पर आपको चार्जिंग टाइम मिलेगा। ST वेरिएंट के अंदर चार्जर बड़ा मिल जा रहा है, 4 घंटे और 18 मिनट में चार्ज कर देगा। और वहीं पर ST वेरिएंट में 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जिसको वो चार्जर चार्ज करेगा 3 घंटे में। कुछ ऐसी इसकी चाबी नज़र आएगी बेस वेरिएंट्स की। और जो भी आप टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको चाबी के अंदर डिफरेंस आएगा, वो वहाँ पर आपको फ्लिप की भी मिल जाएगी। स्पीडोमीटर में चलने से पहले बेसिकली इससे रूबरू हो जाते हैं यहाँ पर है क्या गया। ये इसके अंदर एक्सेलरेशन एंड ब्रेक रिवर्स मोड में, यहाँ पर जनरली आपने देखा होगा रिवर्स करते टाइम आपको एक्सेलरेशन को ऐसे करना होता था, बट वो यहाँ पर अभी नहीं करना, आपको ऐसे ही करना है तो भी ये रिवर्स में हो जाएगी। रिवर्स मोड आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। दो मोड मिलते हैं, उसको स्विच ऑन करने के लिए ये बटन है
ये इसका पार्क वाला बटन है, हैजार्ड लैंप के कंट्रोल यहाँ पर मिलेंगे। तीन लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा आपको हाई लो बीम, इंडिकेटर एंड हॉर्न, और ये यहाँ पर ये है इसका पार्किंग ब्रेक। ये सारी चीज़ें आपको इसके हैंडल बार पर नज़र आएंगी। चार्जिंग यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ पर इसका चार्जिंग इनलेट हो गया। अब बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की। डिफरेंट वेरिएंट में डिफरेंट स्पीडोमीटर मिलेगा। ये 5 इंच का यहाँ पर कलर TFT मिल रहा है, और आप हायर वेरिएंट में जाएंगे तो ये 7 इंच का मिलेगा, वो भी टच स्क्रीन के साथ। जॉयस्टिक इसमें नहीं मिल रही है। आप इधर आपको इन्फॉर्मेशन में स्विच ऑन करने के लिए ये बटन्स दिए गए हैं। अब ये यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। इसके अंदर दो मोड है, इको एंड पावर। इस मोड में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। रीजन मोड भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्किंग मोड में स्कूटी एक्टिवेट हो गई है। आप तो ये फ्रंट एंड रिवर्स में जाना हो तो आप ये अभी आप रिवर्स में जा सकते हैं, और ये सेंसर कंटिन्यू करता रहेगा जब तक आप इसको रिवर्स से नहीं हटाएंगे। अब ये पार्किंग मोड में है लेकिन फ्रंट के अंदर है। ओडो ट्रिप 1 ट्रिप बी यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी। एवरेज स्पीड आपको इधर नज़र आ जाएगी। इधर आपको नज़र आएगी बैटरी। यहाँ पर आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो इधर मोबाइल का नेटवर्क, टाइम और मैसेज, नोटिफिकेशन, कॉल वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर के अंदर। बाकी इसके अंदर कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट से ही। TVS iQube बेस वेरिएंट है जिसकी प्राइस 1 लाख से कम है। बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो चाइनीज़ भी हैं, और चाइनीज़ से मेरा मतलब है जिसका खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बाहर से चाइना वगैरह से अपने पार्ट्स मंगाए और यहाँ पर असेंबल किया, अपना स्टिकर टेका और मार्केट में उतार दिया। ऐसी कंपनियाँ बहुत सारी हैं टू व्हीलर जो 1 लाख से नीचे दे रही है। फिर इसका जो टॉप एंड मॉडल है जिसका प्राइस 1,85,000 है, उसके राइवल्स के तौर पर आपको ओला, एथर, रिवर इंडी का भी स्कूटर मिल जाता है एंड फेतक का भी ऑप्शन मिल जा रहा है। तो बहुत सारे आपको इसके राइवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको TVS iQube मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक आप टू व्हीलर चलाते हैं हेलमेट का प्रयोग, और फोर व्हीलर चलाते हैं सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।